एक सीट से कोई सरकार बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। यहाँ एक ही मुद्दा है कि 16 वर्ष से यहाँ की जनता ने यहाँ के विधायक का मुंह नहीं देखा है, तो खुशी बना बाहरी की लड़ाई। लोकसभा चुनाव से पहले ही घोसी विधानसभा सीट ने यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। घोसी के वोटिंग ट्रेंड पर सबकी नजर है। घोसी कहने को तो पिछड़ी बिरादरी के नेताओं और वोटर्स की विधानसभा सीट है, लेकिन जो ट्रेंड यहां देखने को मिलता है उसे समझना किसी के लिए भी आसान नहीं है। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान होते ही एक मुद्दा शुरू से ही चर्चा में रहा, बाहरी बनाम स्थानीय का। इसी को समाजवादी पार्टी ने हथियार बना रखा है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह का दावा है कि इस बार जनता बाहरी उम्मीदवार को बाहर का रास्ता दिखाएगी। दारा चौहान ही बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और जब बीजेपी के कैंडिडेट हैं तो जब मऊ जिले की जनता एक हो गई है तो उसमें सारे दल आते हैं। ये लड़ाई कितनी टफ है, क्योंकि इंडिया बनाम एनडीए देखा जा रहा है इसको। यार छोड़िए, घोसी बनाम बाहरी की है। सुधाकर सिंह ने दारा सिंह को लेकर बाहरी उम्मीदवार का दांव तो खेला है, लेकिन घोसी का सियासी संयोग तो देखिए। घोसी की जनता की नसीब में ज्यादातर बाहरी नेता ही आए हैं। बता दें कि घोसी विधानसभा की बात करें तो यहां 4,30,000 से ज्यादा वोटर हैं। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और मुस्लिम आबादी यहां की राजनीतिक किस्मत तय करते हैं। फिर चाहे वो घोसी लोकसभा सीट हो या विधानसभा, दोनों चुनाव में इन्हीं बिरादरी के मतदाताओं का समीकरण सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है। चौहान, राजभर और सवर्ण तीनों वर्ग के नेताओं को घोसी की जनता अपना नेता चुन चुकी है। 2012 के विधानसभा चुनाव में घोसी विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर जीतकर बाहुबली सुधाकर सिंह विजय हुए थे। एक बार फिर वो घोसी से सपा के टिकट पर ही मैदान में हैं। लेकिन इस बार के उपचुनाव में समीकरण काफी पेचीदा नजर आ रहा है, जिसका डर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी है। तभी तो सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाकर अखिलेश ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है, जिसका जिक्र वोट देने के बाद सुधाकर सिंह ने भी किया है। तो आप लोग चुनाव आयोग में शिकायत किए हैं इस मसले पर? कोई बचा नहीं है जिसको शिकायत जिसके अंदर नहीं है। कोई सुनवाई हो रही है? क्या लग रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? पुलिस के लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और स्पेलिंग पूछ रहे हैं। गांव का रहने वाला व्यक्ति स्पेलिंग जानता है, जो उन्होंने बना के दिया हुआ उसके पास है। पुलिस को क्या राइट है, किसने अधिकार दे दिया कि आधार कार्ड चेक करे? अच्छा, ये विशेषकर अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में अदरी, कोपागंज, पूरा घाट, फतेहपुर, ताल, नरजा, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में परेशान बस किया जा रहा है। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी चाहे हमारे समर्थकों का वोट है, हर जगह परेशान किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि अब उनके पास वोट वोट है नहीं, केवल एक प्रशासन का ही चेहरा बचा है। हालांकि सुधाकर सिंह को यकीन है कि अगर चुनाव निष्पक्ष हुए तो घोसी की जनता से आजमगढ़ के रहने वाले दारा सिंह को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर दारा सिंह चौहान भी बाहरी बनाम स्थानीय वाले मुद्दे का असर जानते हैं, इसलिए उन्होंने लोगों के बीच जाकर ये प्रचार किया है कि घोसी उनका भी घर है। हालांकि उन पर दल बदल करके अपना राजनीतिक हित साधने के आरोप लग रहे हैं, फिर भी वो खुद को घोसी वालों का नेता साबित करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। साथ ही मोदी योगी के कामकाज के भरोसे अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं। जिस तरीके से यहाँ पर रुझान है, केवल जीत नहीं होगी, भारी अंतर से रुझान होगी। और उसी दिन 8 सितंबर को तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। कई लोगों का मानना, लोग सोच रहे हैं कि आप वोट नहीं डालना है, ऐसा क्यों? मतलब क्या चीजें हैं कि मतलब आप वोट नहीं करना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरा घर दरवाजा सब कुछ यहीं पर, क्योंकि इतने लोग समर्थन में लोग हैं यहाँ पर, वोट दे रहे हैं कि पूछना नहीं है। भारी से भारी बहुमत से जीत करके भाजपा जीतेगी चुनाव यहाँ से। बता दें कि घोसी के कुरुक्षेत्र में सपा के सुधाकर सिंह और भाजपा के दारा सिंह चौहान की ही साख दांव पर नहीं लगी है, बल्कि इसी बहाने विपक्षी गठबंधन इंडिया की भी परीक्षा है। यही नहीं, घोसी उपचुनाव एक साथ कई नेताओं का सियासी रसूख और राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। यहां दारा सिंह चौहान के अलावा ओपी राजभर, संजय निषाद और सपा से भाजपा में आए उमेश पांडे जैसे नेताओं के दमखम का भी फैसला हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि घोसी की जनता इस बार के उपचुनाव में अपने वोटिंग ट्रेंड से राजनीति को क्या पैगाम देती है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।